नमस्ते व्यूवर्स, गंगा विन ट्रेडर एक नया वीडियो में आपको स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का परफॉर्मेंस है, और इसमें मैं आपको ये भी दिखाती हूँ एक सिग्नल कंटिन्यू करेगा तो कैसे वो सिग्नल पे मींस वो सिग्नल पे कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। मींस ऑलरेडी एक सिग्नल कंटिन्यू चल रहा है तो आप आज कैसे वो उसमें ट्रेड ले सकते विदाउट एरो, सिग्नल के बिना हम कैसे ट्रेड ले सकते वो मैं आज दिखाती हूँ आपको। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ बैंक निफ्टी। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे जो आ रहा है वो रियल टाइम मार्केट है, 41,517 ऊपर यहाँ पे जो आ रहा है वो रियल टाइम मार्केट है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाइट वर्टिकल लाइन डे ब्रेक लाइन है। तो ये जो आप सिग्नल देख रहे हैं एक रेड डाउन आ रहा हो सेल सिग्नल, ग्रीन कलर के अप आ रहा हो बाय सिग्नल। सिग्नल जो आते टाइम पे हमें इंडिकेशन मिलेगा, एक तो अलर्ट आ जाएगा वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ, नहीं तो आप ऊपर देखिए सेल सिग्नल में मिला था ये जो वाला सेल सिग्नल यहाँ पे दिया है वो सॉफ्टवेयर ने दिया था 41,907.60 एंड 245 को मिला था, वो भी 9th नवंबर को। मीन्स आज में वीडियो बना रही हूँ 10th नवंबर का, मीन्स एक कल का सिग्नल है, कल का सिग्नल आज का नहीं चल रहा है। तो इसमें कैसे आपको ट्रेड लेना है वो भी आपको दिखाती हूँ। एंड जो एरोज आते हैं बाय आंसर सिग्नल्स आते हैं तो उसमें हमें हमेशा कंफर्मेशन चेक करने के बाद ही ट्रेड लेना है। कंफर्मेशन चेक करने के बाद आपने ट्रेड लिया तो वो सिग्नल पे एक 80-90% जरूर मिलेगा। तो कंफर्मेशन मींस एरो आने के बाद आपको कंफर्मेशन चेक करना है। अगर एक सेल सिग्नल एक्टिव होगा तो नीचे प्राइस सेल जोन आना चाहिए, एरो के नीचे जो बार है वो सेकंड कैंडल पे हमें एंट्री लेना है, सेकंड कैंडल के नीचे जो बार वो रेड आना चाहिए। दो पैरामीटर कंफर्म होना चाहिए, फर्स्ट एरो तो मिलना ही चाहिए, एरो के बाद सेल होगा तो प्राइस वहाँ पे नीचे सेल जोन करके लिखा हुआ भी आना चाहिए, एरो के नीचे जो बार रेड आना चाहिए। दो कंडीशन मैच होगा तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते ऑलरेडी ये सिग्नल हमें मिला था कल का सेल है वो आज कंटिन्यू चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया तो आज आप देखेंगे तो ये सेल सिग्नल कल का से सेल आज कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पे तो दोबारा तो सेल सिग्नल सेल एरो नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी एक सेल एरो वहाँ पे आ चुका है, उसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। कंटिन्यूएशन इसलिए चल रहा है कि वो सेल ट्रेंड कंटिन्यू है तो दोबारा एक एरो नहीं मिलेगा। तो ये केस में आपको ट्रेड कैसे लेना है आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आज मार्केट शुरू हुआ तो डाउन ट्रेंड से शुरू हुआ, यहाँ पे आप जरा देखिए ये जो वाला ब्लू वाला स्टार्स है ना वो सपोर्ट लेवल है, ऊपर का रेड स्टार्स रेसिस्टर लेवल है। तो आपको ये देखना होगा कि एक तो दो टाइम दो तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, कंटिन्यूड मार्केट पे दो तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। एक तो हमारा री एंट्री आने तक आपको वेट करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 41,646.60 पे आज सॉफ्टवेयर ने री एंट्री दिया था 10 बजे को 41,646 एंड टारगेट इसमें अचीव हो गया। टारगेट भी यहाँ पे 41,554 का दिया था वो अभी अचीव हो गया। एक तो आप री एंट्री के लिए वेट कर सकते हैं, री एंट्री मिलेगा तो उसका री एंट्री का एंट्री पॉइंट सॉफ्टवेयर डायरेक्ट देगा उसी तरह एंड उसका टारगेट भी देगा। अदरवाइज उसके अलावा अगर री एंट्री से पहले अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लेवल यहाँ से तोड़ा है मार्केट ने, तो सपोर्ट जैसे तोड़ेगा मार्केट में क्या रेट है वो रेट से आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं, और हमारे हिसाब से एक एंट्री एक्सिट लेवल में एक्सिट करना होगा, हमारे हिसाब से एक्सिट लेवल में एक्सिट करना होगा। क्योंकि री एंट्री होगा तो री एंट्री सजेशन में होगा तो सॉफ्टवेयर देते हैं तो वो री एंट्री में आपको एंट्री पॉइंट एंड टारगेट डायरेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एंट्री किया तो वहाँ पे मार्केट रेट पे एंट्री करने के बाद हमारे हिसाब से एक एंट्री पॉइंट पे सॉरी एक्सिट लेवल पे एक्सिट करना होगा। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम ये आप देख सकते हैं ये लेवल पे सॉफ्टवेयर ने वहां से सपोर्ट को ब्रेक किया था तो वहां से काफी नीचे आ गया। तो कौन सा लेवल है मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये इसमें होगा तो इसका ओपनिंग अराउंड 41,667 पे हुआ था, 670 का हाई है, 645 का लो मारने के बाद 660 पे क्लोज हुआ था। तो इसके बीच में कोई भी प्राइस पे आप वहां पे ट्रेड ले सकते थे। तो ये दो तरीके से आप कंटिन्यूड मार्केट पे ट्रेड ले सकते हैं, एक तो ब्रेकआउट होने तक वेट करना होगा सपोर्ट को तोड़ेगा तो डाउन ट्रेंड होगा तो सपोर्ट को तोड़ने तक वेट करना होगा, तो उसके अदरवाइज सॉफ्टवेयर ने एक री एंट्री वहां पे दिया तो वो री एंट्री सिग्नल पे आप डायरेक्ट री एंट्री कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी काफी नीचे आ गया, अब जरा सा अभी ट्रेंड रिवर्सल चल रहा है लेकिन अभी नीचे का बार भी अभी रेड है, प्राइस भी जोन का प्राइस जोन भी सेल है, दैट मीन्स अगेन मार्केट नीचे ही जाएगा। एंड निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम ही है,
कल का सेल आज कंटिन्यू है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक किया, सॉरी रेसिस्टर लेवल को ब्रेक किया था, ओपन ए 123, हाई है 126 है, लो 18,090 का, एंड 18,093 पे क्लोज हुआ ये कैंडल पे। अगर नहीं तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते, वो लेवल पे हम ट्रेड ले सकते, यहाँ से क्लोज होते टाइम पे हम एंट्री ले सकते थे। अदरवाइज इसी तरह री एंट्री के लिए, यहाँ पे एक्चुअली री एंट्री दिया है, इसका टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, 36 का है। टारगेट सॉफ्टवेयर ने 950 को दिया था, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू चल रहा है, अभी 68 चल रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया तो हमारे एक टारगेट पे, अगर आप सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी ऑन टारगेट पे आपको एक्सिट करना होगा, अदरवाइज री एंट्री के हिसाब से होगा तो हमारे री एंट्री का टारगेट एंट्री पॉइंट एंड एक्सिट लेवल वहाँ पे ही आएगा, उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे भी जरा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे बार कन्फर्मेशन प्राइस जोन सेल में ही है, दैट मीन्स अगेन मार्केट नीचे ही जाने का चांस है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना काफ़ी सिंपल है, एंड इसमें है ना आपको, इसमें आपको दो स्कैनर भी मिलेगा, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिखाया हमारा लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है, नेक्स्ट वो या हमारा नया वर्जन भी आ रहा है, नया वर्जन का सभी डिटेल्स हमारा नया चैनल में अपलोड होगा, नया चैनल का डिटेल्स हमारा नया हिंदी चैनल का यूट्यूब चैनल का डिटेल्स हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक वो भी आप चेक कर सकते हैं, एंड मेरा नंबर का व्हाट्सअप नंबर का लिंक भी वहां पर दिया है। इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या आप लाइव डेमो देखना चाहते हैं ज़रूर मुझे कॉल कीजिए, माय नेम इज़ गंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर इज़ 9061973737, ये नंबर पे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, नहीं तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उसमें क्लिक कीजिए, डायरेक्ट चैट पे आ जाएगा, इवन सैटरडे एंड संडे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।